कहा जाता है कि आग और पानी पर किसी का वश नहीं चलता। कुछ ऐसे ही हुआ बुधवार की रात सदर कोतवाली क्षेत्र के महाजन टोली कटपीस गली में। करीब 11 बजे किसी कारणवश कपड़े की दुकान केशरी कलेक्शन में आग लग गई। जब तक लोग इसे बुझाने की कोशिश करते तब तक आग ने इस कदर विकराल रूप धारण कर लिया कि दुकान के ऊपर मकान में रहने वाले सहित आसपास के लोग जान माल की सुरक्षा को लेकर घबरा उठे। जानकारी होते ही व्यापार मंडल के लोग भी वहां पहुंच गए और फायर ब्रिगेड सहित पुलिस को घटना से अवगत कराया। बिजली विभाग को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराने के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी विकराल थी कि लोगों के बस का मामला ही नहीं था। दुकान के ऊपर मकान में करीब 10 लोग थे, सभी चीख पुकार करने लगे। मोहल्ले के लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए रेस्क्यू कर बांस और लोहे की सीढ़ी से काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से सभी को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल दिलीप सिंह पुलिस कर्मियों के साथ पहुंच गए। करीब आधा घंटे बाद एक के बाद एक फायर की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर कर्मियों ने लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद रात 2 बजे तक आग पर काबू पाया। दुकान मालिक संतोष केसरी ने बताया कि आग की इस घटना में करीब 1 करोड़ की क्षति हुई है। मकान मालिक राजेश वर्मा ने बताया कि आग की इस घटना में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। संयोग अच्छा रहा कि परिजन लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकल गए। दुकान बंद करके अपने टाइम से अपने घर चलाया था। दुकान के आसपास लोग आए घर से, बोले कि दुकान में से आपकी धुआं निकल रहा। मैं आनंद फानंद में दुकान पहुंचा, दुकान का शटर कैसे खोला, किसी तरह खोल के मैंने दुकान में जब देखा तो उसकी दुकान आग मेरी फैल चुकी थी। कितने का नुकसान हुआ है आग से? आग की इस घटना में 2 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि आग काफी भीषण थी। इस पर काबू पाने के लिए 4 गाड़ियों के साथ ही अग्निशमन अधिकारी अशोक दुबे सहित 25 कर्मी लगाए गए थे। रास्ता संकरा होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें आई, फिर भी काबू पा लिया गया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।